25,657 काफ़ी अच्छी रकम है। इससे पहले जो अमाउंट थी वो लगभग कुछ 10,000 के आसपास थी, ठीक है। तो कुछ 2 हफ्तों के अंदर ही लगभग 11,000 हमारा हो गया 25,000, बिना कोई मेहनत किए। सिर्फ हमने यहाँ पे क्या यूज़ किया, पेशेंस यूज़ की और टोकन को संभाला, और ये था फ्री का। हेलो फ्रेंड्स, मैं जिया स्वागत करता हूँ सभी का हमारे यूट्यूब चैनल ओपन फॉर प्रॉफिट में, एंड वेरी गुड मॉर्निंग टू ऑल माय सब्सक्राइबर्स फॉलोअर्स। और आज के सेशन में थोड़ा सा मार्केट के बारे में डिस्कस करेंगे। उसके साथ ही मैं आपको एक बहुत बढ़िया एयर ड्रॉप के बारे में बताना चाहता हूँ जो आप अवेल कर सकते हैं, फ्री टोकन उसमें से मिल रहे हैं और बहुत कम समय बचा है उस एयर ड्रॉप को ख़त्म होने के लिए, ठीक है। तो वो सारी चीज़ें मैं बता दूंगा, लेकिन सबसे पहले हम थोड़ी मार्केट के एनालिसिस करते हैं कि मार्केट में एग्जैक्टली क्या चल रहा है, कौन कौन से कॉइन्स ऊपर चल रहे हैं, इथेरियम क्लासिक का क्या हाल है जो मैंने आपको कल बताया था, उसके साथ इलेक्ट्रॉनियम एग्जैक्टली क्या कर रहा है। अगर आपको याद होगा कि 1 हफ्ते पहले या 2 हफ्ते पहले शायद मैंने इलेक्ट्रॉनियम का एक वीडियो डाला था, कहा था कि भाई इसको माइनिंग करते रहो, फ्री में जो मिल रहा है उसको कभी नहीं छोड़ना चाहिए। उस समय जो मैंने अपने इलेक्ट्रॉनियम के वैलेट में बताया था कि इतनी माइनिंग हो चुकी है, समवेयर अराउंड 14,000 इलेक्ट्रॉनियम्स माइन हुए थे, उस समय उसकी जो वैल्यू थी लगभग 186 डॉलर के आसपास थी। और उसके लगभग 4-5 दिन के बाद जब इलेक्ट्रॉनियम ने सीधा पंप किया तो जो मेरी वैल्यू हो गई थी लगभग 286 डॉलर हो गई थी। और अभी जो है इलेक्ट्रॉन ने वापस से एक उछाल मारी है। तो आप देख सकते हैं जो भी हम फ्री में माइन करते हैं, कॉइन अगर अच्छा होता है तो देर सवेर उसके अंदर आपको काफ़ी अच्छा प्रॉफिट मिल जाता है। और क्योंकि इसमें हमारा कोई इन्वेस्टमेंट नहीं है, हम मोबाइल जैसे रेगुलरली यूज़ करते हैं उसी तरह से हमें यूज़ करना है और बैकग्राउंड में माइनिंग होती रहती है, ठीक है। तो वो सारी चीज़ें मैं आप लोग को बता दूंगा। तो यहाँ पे अगर कॉइन मार्केट पे हम देखते हैं तो क्रिप्टो करेंसी की जो मार्केट कैप है वो लगभग 217 बिलियन डॉलर चल रही है और BTC की जो डोमिनेंस है 52.4% चल रहा है। तो यहाँ पे एग्जैक्टली हम बात करेंगे इथेरियम क्लासिक के बारे में। कल जो था लगभग 10.9 डॉलर के आसपास चल रहा था, 11 डॉलर टच किया था और अभी लगभग 10.69 डॉलर के आसपास है। तो काफ़ी स्टेबल चल रहा है और एकदम बॉटम पे है। और जो मैंने एंट्री लेवल्स बताए हैं उस पर आप ध्यान देना, और अगर आपको सही लगता है तो इसको ले लेना क्योंकि यहाँ से ये ज़रूर पंप करेगा। क्योंकि जो TD सिक्वेंशियल की सीरीज़ मैंने बताई थी, 1 से लेकर 9 तक जब कंप्लीट होता है तो वहाँ से रिवर्सल आता है। तो 1 से लेकर 8 तक की कैंडल्स कंप्लीट हो चुकी है, टेलीग्राम पर मैंने आप लोग को पोस्ट किया है। और कल के दिन अगर एक और कैंडल रेड कैंडल नीचे आ जाता है, 9 सीरीज़ कंप्लीट होती है, तो इमीडिएटली वहाँ से ऊपर की तरफ रेट पंप होगा। ओके, नेक्स्ट अगर हम चेक करते हैं कि कौन से कॉइन सबसे अच्छी परफॉर्मेंस दे रहे हैं आज के दिन लास्ट 24 आवर्स में, तो पॉलीमैथ जो है वो लगभग 7% के ऊपर चल रहा है, ये भी हमारे पोर्टफोलियो के अंदर है। सेंट्रलिटी चल रहा है 5.5% के ऊपर, ये हमारे पोर्टफोलियो के अंदर नहीं है। बिटकॉइन प्राइवेट है वो लगभग 3% के ऊपर चल रहा है, ये भी हमारे पोर्टफोलियो में नहीं है। नेबुलस जो है वो भी लगभग 2.7% के आसपास चल रहा है, ये हमारे पोर्टफोलियो के अंदर है। यानी कि हम इसको क्विक प्रॉफिट इसमें करना है, लॉन्ग टर्म के लिए नहीं पकड़ना है, क्विक प्रॉफिट के लिए। फिर 0x है, ये हमारे पोर्टफोलियो के अंदर है, इसको भी आप शॉर्ट टर्म ये सब के लिए पकड़ सकते हैं, अच्छा कॉइन है, ये भी थोड़ा प्लस में चल रहा है। तो अभी मैं आप लोगों को यही बोलूँगा, जब तक कि बिटकॉइन जो है साइड वेव्स नहीं तोड़ता है तो आँख बंद करके किसी भी कॉइन के अंदर इन्वेस्ट मत कीजिए। हाँ, अगर आपको कोई कॉइन मिलता है जो सारे सिनेरियोज उसके चेक करने के बाद आपको लगता है कि यहाँ से पॉजिटिविटी आएगी या यहाँ से इसने बॉटम तैयार कर लिया है, तब आप उस कॉइन के अंदर इन्वेस्ट करना। अब दोस्तों मैं आपको लेके आऊँ लेग्जिट के ऊपर। लेग्जिट का एक एयर ड्रॉप निकला है, बहुत प्रॉफिटेबल है, फ्री टोकन्स वगैरह मिल रहे हैं। और हमेशा की तरह मैं कहता हूँ, कॉइन कैसा भी रहे, जो चीज़ आपको फ्री में मिलता है ले लीजिए, हो सकता है आने वाले 1 महीने 2 महीने में आपको उससे बेनिफिट मिलेगा। थोड़ा सा मैं आपको बता देता हूँ लेग्जिट के बारे में एग्जैक्टली क्या है। लेग्जिट इज़ द फर्स्ट मार्केट प्लेस फॉर IP एंड एंटायर कंपनीज। लेग्जिट अलाउज एंटरप्रेनर्स टू ट्रेड इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टीज, कॉपीराइट्स एंड टेक्नोलॉजी फ्रॉम डिसकंटिन्यूड प्रोजेक्ट्स एंड इवन सेल होल स्टार्टअप्स। ब्लॉकचेन बेस्ड टोकनाइजेशन मॉडल्स एंड द डिसइंटरमीडिएशन ऑफ अप्रेजमेंट एंड मैच मेकिंग सर्विसेज अलाउ लेग्जिट टू मेक मर्जर्स एंड एक्विजिशंस एज ईजी एज सेलिंग ए कार और रियल इस्टेट। कंसेप्ट इन लोगों का काफ़ी अच्छा है। और इसकी ICO की जो क्राउड सेल हुई थी उसमें 1 Ethereum पे 1200 लेग्जिट टोकन्स मिलने थे। यानी कि अगर हम रफली कंपेयर करते हैं तो एक लेग्जिट की वैल्यू जो थी वो लगभग 0.185 डॉलर के आसपास थी, ठीक है, सेल पे। तो ऑफकोर्स ये जब लिस्ट होगा तो थोड़ा सा इसमें मुनाफा मिलेगा। तो फिलहाल हम बात करते हैं लेग्जिट एयर ड्रॉप की, जिसके अंदर पार्टिसिपेट करना एब्सोल्युटली फ्री है, नो इन्वेस्टमेंट है। हार्डली मेरे ख्याल से 1 या 2 मिनट लगेगा एयर ड्रॉप कंप्लीट करने के लिए, और उसके बाद से इसके जो टोकन्स होंगे वो रिलीज़ होकर आपके वैलेट में मिल जाएंगे। और यहाँ पर आप पढ़ सकते हैं, डोंट मिस अवर ऑटम एयर ड्रॉप एंड यू आर वेलकम टू कम्प्लीट द KYC प्रोसेस अनटिल October 15th, ठीक है। तो लगभग 5 दिन का वक्त पड़ा है, इसके अंदर आपको इसके अंदर एयर ड्रॉप ले सकते हैं।
एयरड्रॉप के लिए आप ये वेबसाइट पे ओपन करना lexit.co/airdrop, आपको इस तरह से पेज दिखेगा। अब इनका ये जो एयरड्रॉप है इसमें आपको पार्टिसिपेट आप जब कर लेते हैं एयरड्रॉप के अंदर, तो आपको लगभग 80 लेग्जिट कॉइंस मिल जाते हैं। आपको दो सोशल एक्टिविटीज़ यहाँ पे कंप्लीट करना है, और जैसे आप कंप्लीट करते हैं आप इनकी वेबसाइट पे रीडायरेक्ट हो जाएंगे। वहाँ पे आपको छोटा सा KYC कंप्लीट करना है, ठीक है। सबसे पहले आपको ज्वाइन करना है द लेग्जिट टेलीग्राम कम्युनिटी। उसके लिए आप टेलीग्राम में जाके आप ऐसे सर्च करेंगे लेग्जिट CO, तो आपको इस तरह से दिखेगा। यहाँ पे लेग्जिट CO, इस पे आपको क्लिक करना है। उसके बाद जो भी आपका टेलीग्राम का यूज़र नेम है वो आपको यहाँ पे टाइप करना है। फिर उसके बाद आप यहाँ पे कंटिन्यू पे क्लिक करिए। फिर यहाँ पे आप अपनी डिटेल्स डालिए। यहाँ पे आप क्लिक कीजिए, आई हैव रेड द टर्म्स एंड कंडीशन एंड प्राइवेसी पॉलिसी, सेव करिए। इसके बाद हम यहाँ पे ट्विटर पे वापस से क्लिक करते हैं। कन्फर्म हो गया कि ट्विटर पे हमने इसे फॉलो किया है, और यहाँ पे हम क्लेम करते हैं, ये ऑटोमेटिकली ये रिडायरेक्ट हो जाएगा, ठीक है। इससे पहले जो हमने एयरड्रॉप किया है उसमें हमने हमारा ईमेल एड्रेस डाला है, ठीक है। अब लेग्जिट की ये वेबसाइट सामने आ जाती है, यहाँ पे हमें वापस से साइन अप करना है और सेम ईमेल एड्रेस डालना है, ठीक है, ताकि जब एयरड्रॉप रिलीज़ होगा तो सेम ईमेल एड्रेस वाले अकाउंट में टोकन्स मिलेंगे। तो यहाँ पे मैं वापस से अपना अकाउंट क्रिएट करता हूँ। तो यहाँ पे आपके ईमेल एड्रेस पे लेग्जिट की तरफ से एक मेल आएगा, वहाँ पे एक लिंक होगी, उसको क्लिक करके कंफर्म कर देंगे। लॉगिन करने के बाद आपको इस तरह का पेज दिखेगा। यहाँ पे मैसेज दिखेगा कि आवर टोकन सेल फिनिश्ड ऑन September 30th, पार्टिसिपेट इन एयरड्रॉप जिसमें हमने ऑलरेडी कर लिया है, कंप्लीट द KYC यहाँ पे करते हैं। KYC में बस ज़्यादा डिटेल्स नहीं है, छोटी मोटी डिटेल्स वो आपको एंटर करना है, हार्डली एक मिनट लगेगा आपको। और यहाँ पे जो आपको इन्फॉर्मेशन डालनी है वो एज़ पर द पासपोर्ट आपको डालना है, अगर आपके पास है। अगर पासपोर्ट नहीं है तो जो भी आपके पास ID कार्ड है, फॉर एग्ज़ाम्पल वोटर ID है या आधार कार्ड है या ड्राइविंग लाइसेंस है, जो भी है अकॉर्डिंगली आपको एंटर करना है, ठीक है। सारी डिटेल सबमिट करने के बाद मैं सेव कंटिन्यू पे क्लिक करता हूँ। अब आता है बिगिन योर ID वेरीफिकेशन, तो मैं यहाँ पे सिलेक्ट करता हूँ ID कार्ड, और यहाँ पे ऑप्शन है अपलोड फ्रंट साइड ऑफ द डॉक्यूमेंट, अपलोड बैक साइड ऑफ द डॉक्यूमेंट, अपलोड ए फोटो ऑफ योरसेल्फ होल्डिंग द डॉक्यूमेंट, ठीक है। तो मैं यहाँ पे अपने आधार कार्ड के साथ जो सेल्फी थी वो मैं यहाँ पे लेके यहाँ पे करता हूँ सबमिट एंड स्टार्ट बाइंग लेग्जिट, ठीक है। तो ज़रूरी नहीं है यहाँ पे आपको सबमिट करने के बाद आपको बाय भी करना, ठीक है, आपको इसको सबमिट कर दीजिए ताकि जब एयरड्रॉप के टोकन्स आपको मिलेंगे तब आपको KYC की ज़रूरत नहीं पड़ेगी, ठीक है। तो इसके बाद यहाँ पे मैं सबमिट करता हूँ, थैंक्स फॉर सबमिटिंग योर ID कार्ड। इसके बाद आपको यहाँ पे आना है, बाउंड्री पे आना है, ठीक है, और यहाँ पे आपको ऐड करना है आपका ईथर एड्रेस। तो मैं यहाँ पे माई ईथर वैलेट का ईथर एड्रेस यहाँ पे ऐड कर रहा हूँ, ये है myetherwallet.com। यहाँ पे जाके आप अकाउंट क्रिएट कर सकते हैं और आपका जो एड्रेस है वो यहाँ पे आप ऐड कर सकते हैं, ठीक है। इसको मैं क्लिक करता हूँ, सेव करता हूँ, ताकि जब भी टोकन्स रिलीज होंगे तो इस एड्रेस पे आपको मिल जाएंगे। दोस्तों ये था सिंपल सा प्रोसीजर लेग्जिट एयरड्रॉप के बारे में। आप यहाँ पे रजिस्टर करते हैं तो आपको बैलेंस में ऑलरेडी 5 लेग्जिट टोकन्स वगैरह मिल जाते हैं। तो इस एयरड्रॉप का जो लिंक है वो मैं डिस्क्रिप्शन में डाल दूंगा, ठीक है, तो उस लिंक को क्लिक करके आप वहाँ पे ज्वाइन कर लेना, और उसके साथ मैं अपना रेफरल कोड दे दूंगा। अगर आप चाहते हैं तो वो रेफरल कोड को यूज़ कर सकते हैं, क्योंकि जितने भी मेरे रेफरल्स के अंदर रहेंगे और जो भी यहाँ से टोकन्स वगैरह मेरे पास आएंगे, सारे लेग्जिट टोकन्स जो मेरे पास आएंगे वो सारे मैं सभी जो रेफरल्स रहेंगे हमारे उनके बीच में डिस्ट्रीब्यूट कर दूंगा, ठीक है। तो दोस्तों ये था लेग्जिट टोकन्स एयरड्रॉप्स के बारे में, और अभी जैसे मैं आपको सीधा अपने मोबाइल पे लेके जा रहा हूँ जहाँ पे इलेक्ट्रॉनिक की माइनिंग हो रही है। आप देख सकते हैं हैश रेट जो है वो लगभग 30 के आसपास है, और 30 और 34 के बीच में फ्लक्चुएट कर रहा है, ठीक है। इससे पहले लोगों ने पूछा था कि हम लोग भी माइनिंग कर रहे हैं लेकिन अभी तक हमारा माइनिंग नहीं हुआ इतना फास्ट, 900 के आसपास कर रहे हैं। मैंने कहा था कि मैं सिंगल मोबाइल से नहीं कर रहा हूँ, मैं 2-3 मोबाइल से कर रहा हूँ, और यहाँ पे मैं ऐप क्लोनर्स भी लेता हूँ। बहुत सारे ऐप क्लोनर्स अवेलेबल हैं गूगल प्ले स्टोर के ऊपर, आप उसको डाउनलोड कर सकते हैं। और मैं सेम अकाउंट नहीं यूज़ करता हूँ, ठीक है, मैं रिस्क नहीं लेना चाहता हूँ, क्योंकि इलेक्ट्रॉनियम की जो CEO उन्होंने भी कहा था कि अगर डुप्लीकेट्स अकाउंट वगैरह पाए जाएंगे तो अकाउंट पूरा ब्लॉक कर दिया जाएगा। इसलिए मैं जितने भी बार भी माइनिंग करता हूँ अलग अलग डिवाइसेस से करता हूँ और अलग अलग अकाउंट से करता हूँ, ठीक है। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं कि अभी जो एक्टिव माइनर्स है वो 1,41,350 है, ठीक है। मतलब मैंने ये 2 हफ्ते पहले जो वीडियो डाली थी उस समय 90,000 था, आप चेक कर लेना। उसके बाद से धीरे धीरे अंदर इसके अंदर रेशियो बढ़ गया, लोग वापस आने लगे क्योंकि इलेक्ट्रॉनिक का रेट बढ़ रहा है, ठीक है। तो जब इलेक्ट्रॉनिक का रेट एकदम कम था तब जिन्होंने माइनिंग की तो उनको बहुत अच्छा बेनिफिट मिला है। और अभी मैं अपना वैलेट आपको यहाँ पे दिखाता हूँ। कुछ लोग ये भी कहते हैं कि रिफरल्स की अर्निंग होती है, देखिए रिफरल्स की अर्निंग तो होती है लेकिन रिफरल्स की अर्निंग इतनी बड़ी नहीं होती है, थोड़ा बहुत आता है। जैसे कि सपोज कीजिए अभी आप देख रहे हैं 5 अक्टूबर का 10 ETN आया है, तो 10 ETN में से आप समझिए कि लगभग 2 या 3 ETN जो होता है वो रिफरल्स का आता है, उतना बड़ा नहीं आता है। और यहाँ पे मैं इसको थोड़ा सा अपडेट करता हूँ अभी, ठीक है, इसको मैंने अपडेट कर दिया है। आप देख सकते हैं अक्टूबर 10 का आ गया यहाँ पे। अब वापस हम वैलेट पे चलते हैं, अभी जो है यहाँ पे 14,692.94 ETN है। अगर आप वैल्यू के ऊपर जाते हैं तो यहाँ पे आप देख सकते हैं, सारी डिटेल्स देख सकते हैं, लास्ट 24 आवर्स में 4% बढ़ा है, लास्ट 7 डेज में लगभग ये 22% के आसपास बढ़ा हुआ है,
अब यहाँ पे अगर मैं कैलकुलेटर पे जाता हूँ और यूज़ बैलेंस करता हूँ पूरा, तो अभी आप देख सकते हैं 14,692 ETNs वर्थ हैं $346 का। इससे पहले जो मैंने वीडियो डाली थी उस समय ये वर्थ था $186 था, और मैंने कहा था कि एक नया मोबाइल लेने का काफ़ी अच्छा मौका है, थोड़ा सा इसमें पैसा मिला के ले सकते हैं। लेकिन अभी पैसा मिलाने की ज़रूरत नहीं है क्योंकि $346 है, $346 लगभग हो गया आपका। देखिए ये मैंने बहुत पहले का डाला था, इससे पहले जो वीडियो थी मैंने 287 का चेक किया था, अब हम 346 का चेक करते हैं, तो $346 हो जाता है लगभग 25,657। काफ़ी अच्छी रकम है, इससे पहले जो अमाउंट थी वो लगभग कुछ 10,000 के आसपास थी। ठीक है, तो कुछ 2 हफ्तों के अंदर ही लगभग 11,000 हमारा हो गया 25,000 बिना कोई मेहनत किए। सिर्फ हमने यहाँ पे क्या यूज़ किया, पेशेंस यूज़ की और टोकन को संभाला, और ये था फ्री का। इसलिए मैं कहता हूँ जो कुछ फ्री का मिलता है उसको लेके रखिए, आने वाले समय में आपको ज़रूर प्रॉफिट मिलेगा। ठीक है, तो आप में से जिन लोगों ने अभी तक भी इलेक्ट्रॉनिक की माइनिंग स्टार्ट नहीं की है तो उसकी भी मैं लिंक दे दूंगा, उस पर आप क्लिक करके अपनी माइनिंग वगैरह स्टार्ट कर लेना। तो दोस्तों ये था एक छोटा सा अपडेट और थोड़ा मार्केट के ऊपर, इलेक्ट्रॉनिक के ऊपर, इथेरियम क्लासिक के ऊपर, और एक अच्छे एयर ड्रॉप के बारे में मैंने आप लोग को बताया है। अगर आप लोग को सही लगता है तो इस एयर ड्रॉप के अंदर पार्टिसिपेट कर सकते हैं। ठीक है, तो इसके बाद और भी इंपॉर्टेंट वीडियोज़ आने वाली हैं, इवनिंग तक मैं लेके आऊँगा कुछ कॉइन्स के एनालिसिस करके मार्केट के ऊपर, और जो भी कुछ लेके आऊँगा कहीं ना कहीं आपको ट्रेडिंग करने में या ट्रेडिंग को अच्छे से समझने में मदद करेगी। तो दोस्तों अभी तक के लिए बस इतना ही। जाने से पहले ये कहूँगा कि वीडियो अगर पसंद आता है तो ज़्यादा से ज़्यादा इसको लाइक कर दीजिए, शेयर कीजिए अपने दोस्तों के साथ, और जो लोग नए हैं या जिन्होंने अभी तक इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन पर क्लिक करिए ताकि सारी इंपॉर्टेंट नोटिफिकेशन आप लोग तक पहुँच जाए। तो जल्द मिलेंगे नए वीडियोज़ और न्यू अपडेट के साथ, तब तक के लिए टेक केयर, हैव ए ग्रेट डे।